विभाग का आज बजट प्रस्तुत हुआ। तो बजट माननीय सदस्यों के बहुत सारे सुझाव आए हैं, उन सुझाव के आधार पर हमारा विभाग कार्रवाई भी कर रहा है और बहुत सारे स्कीम जो है ऑनगोइंग हैं। अधिकांश स्कीम जो है भारत सरकार और राज्य सरकार इन सब के सहयोग से वो चलते हैं, चाहे उद्यानिकी का हो, चाहे कृषि विभाग की योजनाएं हो। हम सबको खुशी है कि कृषि विभाग के द्वारा ही आज 18 लाख जो किसानों के घर बनने कंपोनेंट होता है उसमें ज़्यादातर जो है आदिम जाति कल्याण विभाग वाले जो शेड्यूल एरिया हैं वहाँ के अधिकांश लोग हैं जिनका घर अधूरे थे वो भी हुए। 3100 रुपये का धान खरीदी का भी हम लोगों का जो प्रस्ताव था वो हमारे बजट से उसको दिया जा रहा है। इसी प्रकार से जो बोनस था बोनस का भी व्यवस्था हमारी सरकार से विभाग की ओर से ये सब योजना दिया गया है और आगे बहुत सारी स्कीम योजनाएँ हैं, उन योजनाओं पर विस्तार से चर्चा भी हुआ है, लोगों ने सुझाव भी दिया है और आगामी योजना के बारे में भी चर्चा हुई है। हम इन सब को देखते हुए प्रदेश के किसानों के हित में, उनके बेहतरी के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति इनके कल्याण के लिए जो जो योजना चल रहे हैं, हम चाहेंगे कि ज़मीनी स्तर पर लोगों को उसका लाभ मिले और उसका लाभ लेकर के लोग छत्तीसगढ़ का विकास करने में अपना अमूल्य सहयोग दें, ये हमारा उद्देश्य है। निश्चित ही हम सबके लिए एक चुनौती वाला काम है कि जो सुदूर अंचल में नक्सली प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ छात्रावास आश्रम हमारे उनके भवन नहीं है क्योंकि तोड़ दिए गए हैं। उनको कहीं ना कहीं क्लस्टर में उनको रखने का योजना है और उनके लिए बेहतर सुविधा देने की भी स्कीम है, योजना है, उसको हम कर रहे हैं। भवन विहीन बहुत ही छात्रावास हैं, वहाँ छात्रावास के लिए भवन भी हम करा रहे हैं और जो प्रयास जैसी संस्थाएँ हमारे यहाँ जो चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उन प्रयास जैसे संस्था को भी हम राष्ट्रीय स्तर पर हम ले जाने की दिशा में वहाँ बेहतर सुविधा, बेहतर वहाँ का जो कोचिंग की व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था है, खाने के मेस की जो व्यवस्था है उसको हम करेंगे, इसका भी हमने घोषणा किया है। साथ ही साथ हर ज़िले में जो एसटी बाहुल क्षेत्र हैं वहाँ एसटी के लिए वहाँ पे कन्याओं के लिए छात्रावास हम खोलेंगे। इसी प्रकार से जो ब्लॉक मुख्यालय हैं, ब्लॉक मुख्यालय में अगर नहीं है तो वहाँ भी इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं और जहाँ जहाँ छात्रावास भवन नहीं है, चाहे एसटी के हों चाहे एससी के हों, वहाँ हम एक साथ जो है बारी बारी से हम योजनाबद्ध तरीके से हम छात्रावास भवन आश्रम भवन बनाने का हमने घोषणा किया है, पूरा करेंगे। अभी निकालना मत उसको।